Hi guys, welcome back to one and only your favorite channel, Daily Height Himaanshu Jain channel. I hope you all are doing absolutely fine out there. So, आज पेचीदा सा टॉपिक है, how to overcome your fear. So यार fear, मैं पहले सबसे पहले आप सबसे जानना चाहूँगा fear क्या है. डर, जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता ही है, किसी न किसी चीज़ का डर होता ही है, ठीक है. डर से हम कैसे, हमें मतलब आप उस डर से कैसे निकल सकते हैं. किसी एनिमल का डर होना, फोबिया होना एक अलग चीज़ है कि वो तो यार हमारे साथ होता है. हम चाहे वो पानी का डर हो, किसी को डूबने का डर हो, किसी को आग का डर होता है, किसी को हाइट का डर होता है, किसी ना किसी चीज़ का फोबिया तो इंसान को होता है. डेट इज़ नेचुरल, वो तो सबके साथ नेचुरल है. उसके साथ हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक उससे हम पार पा सकते हैं. बट मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, कोई एश्योरेंस नहीं दे सक दूँगा कि आप बिल्कुल उससे ओवरकम कर जाओगे, बिल्कुल ख़त्म कर दोगे आपको डर कि आपका बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा. हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप उसको ख़त्म करना चाहोगे, धीरे धीरे आप उससे लड़ना चाहोगे तो आप ज़रूर उससे लड़ सकते हो. ज़रूर उस अपने फोबिया को, अपने उस डर से आप अपने आप को निजात पा सकते हो, उससे आप निकल सकते हो. जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे भी हमने स्विमिंग का आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, पानी का डर होता है, बहुत से लोगों को डूबने का डर होता है कि यार हम डूब जाएंगे हाइट, तो यार वो कभी वो एक्टिविटी करते नहीं है. वो पानी के अंदर जाने से डरेंगे, स्विमिंग पूल में अंदर जाने से डरेंगे. तो उसमें क्या है कि यार आपको क्या करना है, आपको अपने डर को जीतना है. और उसको जीतना कैसे, आपको अपने डर को, आप जैसे मान के चलिए आप स्विमिंग के लिए गए तो आपके जो वहाँ ट्रेनर हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, आपको उनके साथ रह के वो जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली थोड़े पानी से, फिर थोड़ा और ऊपर पानी से, तो धीरे धीरे करके आप स्विमिंग सीखिए. और जैसे जैसे आप स्विमिंग सीखते जाएंगे, उसमें मास्टरी करते जाएंगे, तो आप फिर डीप वाटर के अंदर भी जा सकते हैं. और फिर आपके असली इम्तिहान का, उस दिन आपका असली इम्तिहान होगा, उस दिन आपके असली स्किल का टेस्ट होगा, जैसा मैंने आपको बताया, जो डर आपके मन में बैठा हुआ है. और एक बार आपने अगर उसको पूरा ओवरकम कर लिया तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं डरेंगे. ये तो क्या यार हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें डर लगता है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारे, हाइट से डर होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने डर भगाने के लिए कर सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा डर होता है यार हमारे मन का डर, जो मन का डर हमें यार कई बार जीने नहीं देता. बहुत चीज़ों को लेके हम बहुत डरते हैं, बहुत वो होता है कि यार अगर मैं ये नहीं हुआ तो यार मैं क्या होऊंगा, मेरे को तो अभी सोच के डर लगने लग जाता है. मैं अगर लाइफ में ये नहीं बना तो यार मैं क्या होगा मेरी लाइफ का, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, यार मुझे बड़ा डर लगता है. बहुत से लोगों के ऐसे मन में थॉट्स होते हैं ऐसा कुछ करने के लिए. बट उसी डर के बारे में हुआ कि वो जो डर है जो आपके मन में है वो क्या है, वो आपका खुद का पाला हुआ है. उस डर को आप कैसे निकालोगे, तो उस डर को भी आप खुद ही निकाल सकते हो. तो यार आप ये सोचो कि आप इतना फ्यूचर का आगे का सोच रहे हो, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. सबको हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हम सब सोच के रखते हैं. तो यार उस चीज़ के लिए दो साल बाद, चार साल बाद, पाँच साल बाद, चलो आपने सोचा कि मुझे ये बनना है, मैं अगर ये नहीं बन पाता या वो नहीं बन पाती, तो उस चीज़ का डर जो हम मन में बैठा लेते हैं वो डर नहीं होना चाहिए. यार आपके पास ना, आपने वो चीज़ नहीं बन पाए तो आपको ये क्या सोचना है कि चलो उस समय अगर नहीं बन पाया तो कोई नहीं यार, मैं अपनी लाइफ को ऐसे थोड़ा कुछ भी जाने दूंगा, मैं कुछ और नई चीज़ कर लूँगा. लेकिन मैं ऐसा मतलब अपने मन में डर नहीं लाऊंगा उस चीज़ के लिए. आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा. डर को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे बड़ा आपका जो आपके काम आएगा वो है पॉजिटिव. आपको सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन, आपको सबसे मेन बात है आपको उसको पॉजिटिवली हैंडल करना पड़ेगा, पॉजिटिवली लेना पड़ेगा. और आपको हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा अपने डर को हटाने के लिए. डर है कि यार ये नहीं बन पाया तो यार लोगों के एक्सपेक्टेशंस मेरे पे वो होंगी, ये होंगी. बट यार कोई नहीं ना, वो तो लाइफ का एक फेज़ ही तो है. एक चीज़ नहीं बन पाई यार, कोई दूसरी चीज़ देखेंगे, कोई दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, कुछ और बढ़िया बनेंगे. ये सोचो ना, एक चीज़ से कोई लाइफ ख़त्म थोड़ा हो जाती है. और उसके अलावा जो डर हमारे मन में कई बार डर होते हैं कि यार यार मेरी तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार मेरी नौकरी चली जाएगी, वो मतलब बहुत चीज़ों के लोगों के मन में डर होते हैं अंदर से कि यार ऐसा नहीं हुआ तो यार मेरे को तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो डर आप सबसे मेन जो है सोचना छोड़ो, इतना मत सोचो. जितना सोचोगे वो चीज़ अभी हुई नहीं है, वो फ्यूचर है. और वो ज़रूरी नहीं कि होगी, और 1% मान के भी चल लेते चलो वो होगी, वो ऐसी चीज़ हो भी जाएगी, बट वो क्या है, वो एग्जैक्ट रियलिटी नहीं है. डैट इज़ नॉट द ट्रूथ.
ट्रुथ क्या है, आज है, सच्चाई आज है, वो क्या है, वो एक तरह की रियलिटी नहीं है, वो 1% होगा आगे जाके, कभी हम मान लेते हैं कि चलिए वो जाके होगा, बट क्या है वो, आप एजम्पशन लगा रहे हो, अपना गैस लगा रहे हो कि ऐसा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी तो हर चीज़ में होती है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आपको यार अपने लिए क्या करना है, उससे डरना नहीं है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, हर सिचुएशन को एट प्रेजेंट जीना है, पॉजिटिवली जीना है, आप अपनी लाइफ बहुत हैप्पी बना लोगे, और हैप्पी बनाने का मंत्र भी यही है कि आगे का इतना ना सोच के कि ये वो, हम इसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं यार, उस चीज़ को मत इतना सोचो, इतना डीप थिंकिंग में मत लो। सबसे मेन क्या है, अपने डर को ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म नहीं करना है, डर कभी ख़त्म नहीं होगा, किसी ना किसी चीज़ से डर लगेगा लगेगा, आपको उसको ओवरकम करना है, और उसको ओवरकम करने का सबसे बढ़िया आपके पास क्या तरीका है, वो है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लो, उस चीज़ के बारे में इतना ना सोच के, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, आपको जो अभी हुई नहीं है, जो आगे कभी होगी, या अभी अगर 1% मान के भी चलते हैं जो चल रही है, तो आपको उसमें सबसे पहले क्या लेना है, उसमें आपको पॉजिटिवनेस ढूंढनी है। जो बीत गया, जो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है, बट अब जो आप कर सकते हो, जो आगे आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो, आप लोगों का परसेप्शन नहीं बदल सकते, आप लोगों को नहीं बदल सकते, सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हो। और आपने अपने आप को जिस दिन बदल लिया, अपने लिए बदल लिया, आप अपने लिए खुश रहना चालू कर देंगे, आप अपने लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, आप लाइफ की हर सिचुएशन से निकल जाएंगे, आपके लिए कोई डर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन यू। तो डर को आप ही ओवरकम कर सकते हो, डर को आप खुद ख़त्म कर सकते हो, और इस डर को जो अभी हुआ नहीं है, जो आगे हो सकता है कि हो, और ये भी हो सकता है कि ना भी हो, 50-50% चांस है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ इज़ नॉट परमानेंट, ये तो हम सब मानते हैं ना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो यार फिर उस सिचुएशन से भी कहीं ना कहीं हम निकलेंगे ही, कैसे ना कैसे करके तो मैं निकलूँगा। आपको अपने मन में बिलीफ लाना है, या आपको अपने अंदर से सोचना है, अपने अंदर हार नहीं माननी है कभी भी लाइफ में। और भी हम ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके साथ मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आपसे ऐसी मैं और भी टॉपिक्स को लेके, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप कोई टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपसे कुछ बात करूँ, कुछ कन्वर्सेशन करें, कुछ हम बात करें, कोई टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ मैं, और या कोई इस चीज़ को लेके आप चाहते हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट इन द सेक्शन बिलो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ को भी आगे लेंगे। तब तक के लिए दिस साइड डेली हाइट हिमांशु जैन साइनिंग ऑफ, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, लव्स यू अ लॉट माय गाइस, माय व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।